हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप देयर इज गार्डन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये प्लांट्स हो रहा है। अभी इतने सारे मैंने लास्ट टाइम में 100 से ज़्यादा मैंने मिर्च की हार्वेस्टिंग की है। जो छोटी मिर्ची थी उसको मैंने छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हैं इतनी रेड हो रही है। और मैंने काफ़ी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ, हमेशा बीच बीच में 5-6 डेली तोड़ती रहती हूँ। फिर भी देखिए इतना अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। और इसमें देखिए काले काले होने के बाद ये रेड हो जाती है मिर्ची, और बहुत तीखी है, तो हमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी है। बहुत ही तेज़ है, मैंने इसका टेस्ट किया है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी मिर्ची लगी है। बस हमें मिर्ची की थोड़ी केयर करना है, प्रूनिंग करते रहना है मिर्ची के प्लांट्स को। ये देखिए अभी ये इस पर ज़्यादा मिर्ची नहीं है, तो हमें ये मिर्ची के प्लांट्स की ऐसे है प्रूनिंग करते रहना है। और मिर्ची का पानी, प्लांट्स को ज़्यादा पानी की गरज नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादा हम पानी डालेंगे ना, जब फूल लगे हैं ये सब फूल गिर जाते हैं। तो बस जब हमें गरज हो, जैसे मिट्टी सूखी रहती है तो आपने को देखना है, प्लांट से ही पता चल जाता है, क्योंकि एकदम सूखे 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 लगते हैं ना ये प्लांट्स, तभी पता चलता है कि मिर्ची के प्लांट्स को पानी की गरज है, तभी पानी देना है। एक्चुअली मैं तो अभी दे नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, तो मिर्ची के प्लांट्स को तो पानी की गरज अभी नहीं है फिलहाल। वो नेचुरल फर्टिलाइज़र का ही काम करता है, अभी मैं कोई इसको फर्टिलाइज़र भी दिया नहीं है, क्योंकि पानी में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, वो एक फर्टिलाइज़र का ही काम करता है। तो अभी हम कोई भी सॉलिड खाद देंगे ना, तो पानी से बह जाएगा, तो हमें देने की गरज ही नहीं है, क्योंकि पानी में ही बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। तो आप देख सकते हैं प्लांट बहुत अच्छे से हो रहा है। और इसको धूप में रखिए, धूप और छांव दोनों ही पसंद रहती है मिर्ची के प्लांट्स को, तो बीच बीच में प्रूनिंग करते रहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मिर्ची आई, लेकिन ये अभी कुछ काम के नहीं, मुझे प्रूनिंग करते करना ही है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें लगी है एक मिर्ची। तो ऐसे ही मिर्ची तोड़ के हमें प्रूनिंग करना है। जब प्रूनिंग करेंगे तो ये मिर्ची के प्लांट्स और घना होगा, और न्यू ब्रांचेस आएगी और न्यू मिर्चियाँ लगेंगी। तो मेरे यहाँ काफ़ी मिर्ची लगी है, तो एक एक मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा बालकनी में एक मिर्च का प्लांट्स लगा था, मैंने कल ही इसको छत पे ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से धूप आती है छत पे। और ये देख सकते हैं इतना बढ़िया प्लांट्स हो रहा है, मिर्चियाँ भी लगी हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हैं ये मिर्ची के हैं, तो कभी एक आधी मिर्ची गिर गई होंगी इसी प्लांट्स की, तो अपने आप ही प्लांट्स निकल गए हैं। तो ये बढ़िया, अभी जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं इसके, ये मिर्ची के प्लांट्स मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं जैसे मिर्ची का प्लांट छोटा रहता है, यहाँ से मैंने कटिंग की थी, देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3G कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, 2G 3G। जहाँ यहाँ से मैंने 2G कटिंग की थी, पिंच की थी टॉप में, तो ये देख सकते हैं 2-3 ब्रांच आ गए। तो हम बस अभी इसको मिर्ची आना शुरू हो गया, अभी मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एक यहाँ पे भी मैंने मिर्ची का प्लांट्स लगा है, अभी छोटा है। ये देखिए, ये मैंने एक्चुअली ये मैंने बीट से ग्रो किया था, तो ये अपने आप ही गिर जाते हैं। जब हम ऐसे मिर्ची डाल देते हैं तो कुछ प्लांट्स निकल जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग बीज रहता है तो उसी के ये प्लांट्स लगे हैं। ये मैंने एग्जीबिशन से लाया था, तो ये पता नहीं, ये बहुत ही देसी मिर्ची है, मुझे लंबी जो रहती है अपनी नॉर्मल, वो है ये। मैंने ये 2 रुपए का प्लांट्स लाया था, लेकिन बहुत बढ़िया हुए प्लांट्स हो रहा है। ये मिर्ची देख सकते हैं हम, बहुत बढ़िया मिर्ची हो रही है। ये शायद शिमला मिर्च है, पता नहीं, लेकिन आजकल बड़े बड़े साइज़ की भी मिर्ची आती है। मैंने अपने घर में जो मिर्चियाँ लाते हैं लाल वाली, उसी के मैंने बीज डाले थे। ये काफ़ी भीवापुरी नाम का एक गाँव है, वहाँ का मिर्ची बहुत फेमस रहती है, तो वहीं से मैंने वो बीज मुझे मिर्ची खरीद के लाई थी, वही बीज मैंने शायद डाली है। तो ये वही मिर्ची है भीवापुरी। और यहाँ पे देखिए प्लांट्स बहुत सुगड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये कीड़े ने कुछ अटैक किया है, इसीलिए ऐसे होता है। तो ऐसे वक्त में हमें खट्टी छास का स्प्रे करना है, तो मैं बाद में कर दूँगी, क्योंकि ऊपर के जो प्लांट्स के पत्ते हैं बहुत ही बढ़िया हैं, और इसके हमेशा प्रूनिंग करते रहना। जितना प्रूनिंग करेंगे ना, जब प्लांट छोटा रहता है तो वैसे ही इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती है और बूसी बनता है। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक पिंच प्रूनिंग किया था, ये प्लांट कितना अच्छे से हो रहा है। जब प्लांट छोटा रहता तभी से हमें प्रूनिंग करते रहना है, तो बहुत बढ़िया ये मिर्ची का प्लांट बन रहा है। बस हमें थोड़ा सा केयर करना है, पानी सही समय में देना है, नहीं तो जल्दी सूख जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं ना मिर्ची का प्लांट्स कितना बढ़िया हो रहा है। ये 2 साल पहले का है और इतना बढ़िया प्लांट्स हो रहा है। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा मुझे प्रूनिंग करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिर्चियाँ लगे, इसके वजह से भी मैं प्रूनिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है हम मिर्ची आएगी आगे जाके, अभी तक छोटी है। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।